हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। शुक्रवार हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 का करा चुके थे, आप क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया है a माइनस बी माइनस सी 2a 2b 2c। ये है b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। और ये आपको प्रूव करना है a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। आपको प्रूव करना है कि सारणी का मान बराबर है a प्लस b प्लस c के होल क्यूब। आप देखिए, आपको कैसे भी करके इसमें से किसकी टर्म लेके आनी है, a प्लस b प्लस c की। तो आप देखिए, a प्लस बी प्लस सी कब आ सकता है। देखिए, यहाँ पर माइनस की भी है, यहाँ पर 2b है, यहाँ माइनस की c है, यहाँ पर 2c है। तो आप इन तीनों को ऐड करिए, बताइए क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार आप इन तीनों को ऐड करेंगे, 2a माइनस a a, ये आपका 2c माइनस c और ये आपका b, तो ये भी a प्लस b प्लस c बनेगा। इसी प्रकार से जब आप इनको ऐड करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस c। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, r1 को चेंज करेंगे r1 प्लस r2 प्लस r3 से। सबसे पहले LHS को देख रहे हैं, LHS में आप r1 को चेंज करेंगे r1 प्लस r2 प्लस r3 से। तो इनको ऐड करिए तो आपको ये मिलेगा a प्लस b प्लस c, 2b माइनस b तो b हो जाएगा, 2c माइनस c c हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी a प्लस b प्लस c हो जाएगा और ये भी क्या होगा, a प्लस b प्लस c। क्लियर है। r2 और r3 में आपने कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए आप इसको ऐसे कैसे रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2b 2c b माइनस c माइनस a 2c, ये हो जाएगा 2b c माइनस a माइनस b। क्लियर है। अब आप r में से क्या कॉमन ले सकते हो, a प्लस b प्लस c। आप r में से कॉमन लेंगे a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1। क्लियर है। ये आपका 2b, ये है आपका 2c, ये है आपका b माइनस c माइनस a, ये है आपका 2c। इसी प्रकार से ये है आपका 2b और ये है c माइनस a माइनस b। क्लियर है। अब देखो, अब आपको जब 1 1 1 दिख जाए तब आसानी से आपको 0 बनाना बहुत आसान रहता है। तो बताइए आप क्या करेंगे, आप c1 को चेंज कर सकते हो c1 माइनस c2 से और c2 को चेंज कर सकते हो c2 माइनस c3 से। क्योंकि जब आप 1 में से 1 घटाएंगे तब ये 0 हो जाएगा और जब इस 1 में से इस 1 को घटाएंगे तब आपको ये भी 0 हो जाएगा। इस पंक्ति में आपको 2 0 मिल जाएंगी, तब आप आसानी से इस आने का मान निकाल सकते हैं। तो आपको c1 चेंज करना है c1 माइनस c2 से और c2 चेंज करना है c2 माइनस c3 से। ये आपका बराबर हो जाएगा a प्लस b प्लस c इनटू c1 को चेंज करेंगे c1 माइनस c2 से, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बताइए, 0। 2b माइनस दिस, तो ये आपको मिलेगा a प्लस b प्लस c, इसमें से इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। इसी प्रकार c2 को चेंज करिए c2 माइनस c3 से, तो 1 में से 1 को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। इसमें से इसको हटाइए तब आपको मिलेगा माइनस के a प्लस b प्लस c, 2c में से इसको हटाइए तब आपको मिलेगा a प्लस b प्लस c। आपने c3 को कोई चेंज नहीं किया है तो आप इसको ऐसे के ऐसे रख सकते हैं, 1 2b c
सी माइनस ए माइनस बी। क्लियर है? अब आप देखिए C1 में से आप A प्लस B प्लस C कॉमन ले सकते हो और C2 में से भी आप A प्लस B प्लस C कॉमन ले सकते हो। तो आप A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे और पहले से क्या है A प्लस B प्लस C, तो ये क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। A प्लस B प्लस C C1 में से इनटू C में से क्या कॉमन ले रहे हैं A प्लस B प्लस C, तो स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं और पहले से ही आपको एक A प्लस B प्लस C है, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। तो ये मिलेगा 1 0 1 0, ये मिलेगा आपको 0 माइनस 1 1, और ये आपका 1 2b c माइनस a माइनस b। क्लियर है? आप आसानी से r1 के अनुसार इसका मान निकालेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। 0 इंटू उसका सेकंड डेस क्या हो जाएगा 0, प्लस 0 इंटू उसका सेकंड डेस क्या हो जाएगा 0, प्लस 1 इंटू उसका ऑप्शन देखिए क्या रहा है बताइए 1 माइनस 0, तो आपको इसका आंसर मिलेगा डायरेक्ट 1। इस सामने को आप सॉल्व करना तो आपको मान मिलेगा 1, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और यही किसके बराबर है r एट s के। यही आपको प्रूव करना था। तो सबसे पहले आपको LHS और RHS, LHS और RHS दोनों को सॉल्व करते हैं, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे हमको संक्रिया कौन सी लगानी है और आप वो संक्रिया लगाएंगे या तो आपको जीरो मिले या फिर उसमें से आर एच एस के खुद पद कॉमन आ जाए। तो इसके लिए मैंने आर वन को चेंज किया है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री से, तब आपको आर वन में से कॉमन मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब आप देख रहे हो आर वन में वन 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 है, अर्थात जब आपको वन 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 मिलेगा इस केस में आप किसी भी अवयव को जीरो आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने C1 को चेंज किया है C1 माइनस C2 से और C2 को चेंज किया है C2 माइनस C3 से। तो इससे आपको ये दोनों अवयव क्या हो जाएंगे जीरो मिलेंगे। जब आप आसानी से इसका मान R1 के अनुसार भी निकाल सकते हो और C1 के अनुसार भी निकाल सकते हैं। जब आप इस सामने को सॉल्व करेंगे तब आपको मिलेगा 0 इंटू इसका सेकंड डेस इसका मतलब 0, प्लस 0 इंटू इसका सेकंड डेस मतलब 0, प्लस 1 इंटू इसकी ऑप्शनली 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 माइनस 0, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा 1। और 1 का गुणा आप a प्लस b प्लस c के होल क्यूब से करेंगे तब आपको क्या मिलेगा a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है? तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया है y प्लस z एक्स वाई जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई जेड वाई एक्स जेड, और ये आपको बराबर प्रूव करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको हर क्वेश्चन का तरीका लगभग लगभग सेम रहता है, आपको हर क्वेश्चन में दो ही चीज देखनी है या तो जीरो या फिर कॉमन, और कॉमन को लेना है जो आपको आर एच एस में चाहिए। अब देखिए आपको या तो एक्स माइनस जेड कॉमन चाहिए या फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन चाहिए। आप देखिए यहाँ पर y प्लस जेड है, यहाँ जेड प्लस एक्स है, यहाँ एक्स प्लस वाई है, अर्थात दो बार एक्स है, दो बार जेड है और दो बार वाई है, अर्थात जब हम तीनों
दोनों को ऐड करेंगे तो आप मिलेगा 2 x + y + z। इसी प्रकार से इन तीनों को ऐड करिए क्या मिलेगा बताइए, x + y + z। इनको भी ऐड करिए x + y + z। अर्थात आप जब आप r1 को चेंज करते हो r1 + r2 + r3 से, जब आप r1 को चेंज करते हो r1 + r2 + r3 से, तब आप आसानी से r1 में से x + y + z कॉमन ले सकते हैं। तो आप r1 को चेंज करेंगे r1 + r2 + r3 से, तो आपका r1 चेंज हो जाएगा 2 x + y + z। ये हो जाएगा आपका x + y + z और ये भी हो जाएगा x + y + z। क्लियर है? आपने R2 में और R3 में कोई चेंज नहीं किया है तो आप आसानी से इसको ऐसे के ऐसे रख सकते हो, z + x, x + y, z, x, y और z। R1 में से क्या कॉमन लेंगे बताइए, x + y + z। तो R1 में से कॉमन आ जाएगा x + y + z। तो 2, 1, 1, देखो यहाँ कितना मिलेगा 2, 1 और 1। ये हो जाएगा आपका z + x, ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x + y, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा z। क्लियर है? अब देखिए आप इस अवयव को और इस अवयव को जीरो आसानी से बना सकते हो। कैसे? आप c1 को चेंज कर दीजिए c1 - 2c3 से और c2 को चेंज कर दीजिए c2 - c3 से। 2 - 2 जीरो हो जाएगा, 1 - 1 भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये भी जीरो और ये भी जीरो। आप c1 को चेंज कर सकते हो c1 - 2c2 से, तब भी आपका काम चल जाएगा। c1 को चेंज कर सकते हो c1 - 2c2 से और c2 को आप चेंज करोगे c2 - c3 से। क्लियर है? मैं आपको ये बात दोबारा और बता रहा हूँ। आप जिस स्तंभ या जिस पंक्ति को चेंज कर रहे हो, आप जिस पंक्ति या जिस स्तंभ को चेंज कर रहे हो उसका जो गुणांक है हमेशा क्या रहेगा, वन रहेगा। आप जिसको चेंज कर रहे हो उसका जो गुणांक है वो हमेशा वन रहेगा। क्लियर है? अब आप c1 को चेंज कर रहे हो c1 - 2c3 से, तो ये आपको मिलेगा x + y + z * 2 - 2, ये हो जाएगा आपका 0, z + x - 2x, ये हो जाएगा आपका z - x। देखिए z + x - 2x क्या होता है, ये z - x। आपको c3 में 2 का गुणा करना है और इसमें से घटाना है, तो z + x - 2x, तो -2x और +x क्या मिलेगा, -kx और z, x + y - 2z, x + y - 2z। आपको संख्या लगानी है c1 में c1 - 2c3। इसी प्रकार आपको c2 चेंज करना है c2 - c3 से, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा बताइए, 0, z - x क्या होगा, z - x, और ये हो जाएगा आपका y - z, 1 x और z। अब आप देख रहे हो R1 में कितने जीरो हैं बताइए, 2। तो आप R1 के अनुसार इसका आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा x + y + z * 0 * इसकी सेकंडल 0 हो जाएगा, प्लस 0 * इसका सेकंडल 0 + 1 * आपको ये स्तंभ हटाना है और ये पंक्ति, तो आप गुणा करना पड़ेगा z - x का गुणा करना पड़ेगा y - z से, माइनस
आपको जेड माइनस एक्स का गुणा करना पड़ेगा एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड से, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जीरो जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड माइनस जेड माइनस एक्स, और ये है आपका एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड। क्लियर है? अब देखिए यहां पर भी जेड माइनस एक्स है और यहां भी जेड माइनस एक्स है, तो आप दोनों में से जेड माइनस एक्स कॉमन लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कॉमन ले लीजिए जेड माइनस एक्स, तो आपको यहां मिलेगा वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड, तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, और ये क्या मिलेगा टू जेड माइनस जेड जेड, और ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स, तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड माइनस एक्स का फुल स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है? तो आप संक्रिया इस प्रकार से लगानी है आपको, ताकि या तो कुछ कॉमन आए या फिर आर एन चेंज के कुछ पद कॉमन लिए जा सकते हैं। तो आपको आर वन चेंज करना था आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री से, आपको आर वन चेंज करना था आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री से, क्योंकि जब आप आर वन को आर टू को आर थ्री को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसी प्रकार से जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को ऐड करिए तब क्या मिलेगा आपको x प्लस वाई प्लस जेड। आपने r2 में और r3 में कोई चेंज नहीं किया है, तो आप इनको ऐसे कैसे रखेंगे? फिर आपको देख रहा है कि आप x प्लस वाई प्लस जेड r1 में से कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने x प्लस वाई प्लस जेड इस आर वन में से कॉमन ले लिया, तो ये आपको मिला टू वन और वन, तो इसको ऐसे कैसे रख दिया। अब आपको ये और ये जीरो बनाना है, तो जीरो कैसे बन सकता है? या तो इसमें दो का गुणा करके इसमें से घटाइए, या फिर आप इसमें दो का गुणा करके इसमें से घटाइए, कैसे भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी ले सकते थे, C1 को आप चेंज कर सकते थे C1 माइनस टू C2 से, तब भी कोई परेशानी नहीं थी, तो आप C1 को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे C1 माइनस टू C3 से, तो ये जीरो हो जाएगा। जब आप इसमें से इस अवयव को घटाएंगे अर्थात वन में से वन को घटाएंगे तब भी आपको क्या मिलेगा जीरो, इसलिए आपने C1 को चेंज किया है C1 माइनस टू C3 से तथा C2 को चेंज किया है C2 माइनस C3 से, तो आपको ये मिल जाएगा। अब आप आसानी से R1 के अनुसार इस सारणी का मान निकाल सकते हैं। देखिए मैं जीरो होता है तब इसका सेकंड डज नहीं लिखता हूँ, इसके पीछे कारण है कि जब मैं जीरो का इसके सेकंड डज से गुणा करूंगा तभी आपको क्या मिलना है जीरो, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट क्या जीरो होता है तब जीरो, अभी आओ और उसके सेकंड डज का जो गुणा है हमेशा क्या रहेगा जीरो, तो ये भी जीरो इन प्लस वन। अब आपको इसकी उपसारणी रखनी थी जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड और वाई माइनस जेड, तो एक्स माइनस जेड का गुणा करेंगे आप वाई माइनस जेड से, तो चल जाएंगे माइनस का, और जेड माइनस एक्स का गुणा करेंगे आप एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड से। जब आप जेड माइनस एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड, तो आप माइनस वाई से प्लस वाई को काट सकते हो, प्लस टू जेड माइनस की जेड ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स ए इंटू ए यानी कि इसका स्क्वायर। क्लियर है? तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 19, बन 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 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और ये आपको बराबर प्रूव करना है बी माइनस सी सी माइनस ए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी के। आपको इस सारणी का मान बराबर प्रूव करना है बी माइनस सी सी माइनस ए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी के। तो आप क्या करेंगे, जब आपको तीनों जगह बन बन दिख जाए तब तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत आसानी से आप उसमें अवयव को जीरो बना सकते हैं। तो आप C1 को चेंज कर देंगे, सबसे पहले आप सॉल्व कर रहे हो LHS को, तो C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस C2 से, और C2 को आप चेंज करेंगे C2 माइनस C3 से। तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस 1 0 A माइनस बी ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। इसी प्रकार जब आप C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस C3 से, तो ये हो जाएगा 0 बी माइनस सी, और ये हो जाएगा बी क्यू माइनस सी क्यू, 1 सी और ये हो गया आपका सी क्यू। क्लियर है, आप देखिए इसको आप ले सकते हो 0 ए माइनस बी ए क्यू माइनस सी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये है आपका 0 बी माइनस सी, इसका फॉर्मूला लगाइए तो ये हो जाएगा बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, 1 सी और ये हो गया सी क्यू। क्लियर है, तो आप देख रहे हो आप आसानी से C1 में से क्या कॉमन ले सकते हो A माइनस बी, और C2 में से कॉमन लेंगे B माइनस सी। तो आप C1 में से कॉमन ले रहे हो A माइनस बी, और C2 में से कॉमन ले रहे हो B माइनस सी। तो बताइए C1 क्या हो जाएगा, 0 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और आपका C2 हो जाएगा 0 1 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये आपका 1 सी और सी क्यू। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी बी माइनस सी। आप आरण के अनुसार इस सारणी का मान निकालेंगे, तो 0 इंटू इसका सेकंड है 0 प्लस 0 इंटू इसका सेकंड है 0 प्लस 1, बताइए इसकी उपसारणी क्या होगी, बताइए आपको ये पंक्ति हटानी है और ये स्तंभ, तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, वन का गुणा इससे करेंगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो आप प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर करा सकते हो, तो आपको मिलेगा ए माइनस बी बी माइनस सी, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए तो ये हो जाएगा सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, यहां से क्या फॉर्मूला लेंगे बताइए बी, तो ये हो जाएगा c माइनस ए। आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो बताइए, c माइनस ए, तो ये हो जाएगा b माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, तो आपको ये मिलेगा c प्लस ए प्लस बी, और ये किसके बराबर है r h s के, यही आपको प्रूव करना था। तो आप आसानी से जब जीरो बना रहे हैं तब तो आपको जीरो ही बनानी है, तो इसके लिए आप C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस C2 से, और C2 को आप चेंज करेंगे C2 माइनस C3 से। आप C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस C2 से, और C2 को आप चेंज करेंगे C2 माइनस C3 से, तब आप इस केस में आसानी से इन दोनों अवयवों को जीरो बना सकते हैं। जब आप
क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे तब ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी प्रकार से आप जब बी क्यू माइनस सी क्यू को लिख सकते हो b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये आपका वन सी और सी क्यू। अब देखिए आप c1 में से कॉमन ले सकते हो a माइनस बी और c2 में से कॉमन ले सकते हो b माइनस सी। आपको इस प्रकार की टर्म ही चाहिए। अब देखिए तो मैंने यहां से कॉमन लिया है a माइनस बी और c2 से कॉमन लिया है b माइनस सी। तो आपने c1 में से कॉमन ले लिया a माइनस बी और c2 में से कॉमन ले लिया आपने b माइनस सी। तो आपको ये सारणी मिलेगी 0 0 1 1 a² + b² + ab 1 b² + c² + bc c और cq। क्लियर है? अब देखिए मैंने आपको बताया था जिस पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा जीरो हो आप सारणी का मान उसी पंक्ति या उसी स्तंभ के अनुसार निकालेंगे तो आपको जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाती है। तो आप 0 का गुणा इसके सेकंड से करेंगे तो 0 मिलेगा प्लस 0 गुणा इसके सेकंड से 0 प्लस 1। आपको ये स्तंभ हटाना पड़ेगा और ये पंक्ति, तो 1 का गुणा इससे करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, b² + c² + bc। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। 1 का गुणा इससे करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो माइनस का गुणा कर दीजिए इससे, -a² - b² - ab। ये प्लस के बी स्क्वायर है माइनस के बी स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। अब मैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ लिख रहा हूँ प्लस बी सी माइनस ए बी को एक साथ लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस इंटू बी सी, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। आप इसमें लगा सकते लिख सकते हो सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे बताइए, बी, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए। अब देखिए ये आपका a माइनस बी है b माइनस सी है, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो बताइए, c माइनस a, तो आपको मिलेगा a प्लस b प्लस सी और यही आपको RHS में चाहिए। तथा आर थ्री से आप चेंज करेंगे
आर थ्री से। आप आर वन को चेंज करेंगे सी आर वन से, आर टू को चेंज करेंगे आप ए आर टू से, और आर थ्री को आप चेंज करेंगे बी आर थ्री से। तो आपका ये सेट हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ये है आपका बी स्क्वायर, ये भी है आपका बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब आपने आर वन को चेंज किया है सी आर वन से, तथा आर टू को चेंज किया है आपने ए आर टू से, और आर थ्री को चेंज किया है आपने बी आर थ्री से, अब आपकी जो सारणी प्राप्त हुई है वो मूल सारणी की क्या हो गई ए बी सी से इसमें क्या हो गया गुना हो गया। तो दोनों को बराबर करने के लिए सबसे पहले आप इस सारणी में ए बी सी से भाग देंगे। ये दोनों सारणी तब बराबर होंगी जब आप इसमें ए बी सी से भाग देंगे, क्योंकि जो आपकी सारणी है वो मूल सारणी से ए बी सी गुणी हो चुकी है, इसलिए दोनों को बराबर करने के लिए आप इसका भाग देंगे ए बी सी का। क्लियर है? अब देखिए, अब आप यहां से आगे सॉल्व करेंगे कि आप यहां से इसको कैसे ला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप प्रयास करेंगे, आप इसको देखिए जीरो भी बना सकते हो। कैसे देखिए, आप इसमें से इसको हटाएंगे यानी कि सी वन को चेंज करेंगे सी वन माइनस सी थ्री से, और सी टू को चेंज करेंगे सी टू माइनस सी थ्री से, तो ये आपको जीरो हो जाएगा और ये भी आपका जीरो हो जाएगा। चेंज करेंगे आप C1 को चेंज करना C1 माइनस C2 से, और C2 को चेंज करना C2 माइनस C3 से। आगे इस क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। सिर्फ आपको C1 चेंज करना है C1 माइनस C2 से, और C2 चेंज करना है C2 माइनस C3 से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, यदि a प्लस b प्लस c बराबर जीरो है, यदि a प्लस b प्लस c बराबर जीरो है तो निम्न समीकरण को हल कीजिए। आपको दिया है a माइनस x c b c b b माइनस एक्स ए ए सी माइनस एक्स बराबर जीरो। तो आपको इस समीकरण को सॉल्व करना है। आपको दिया है a प्लस b प्लस c बराबर जीरो। तो सबसे पहले आपको जो दिया है उसका यूज करेंगे। तो देखिए आप यहां b प्लस c है, यहां b है, यहां c है, यहां a है, इधर C है, ये B है, इधर A है। जब आप तीनों को कनेक्ट करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं, तब आपको A प्लस B प्लस C मिल सकता है, और उसका मान आप जीरो रख देंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए आप C1 को चेंज करेंगे, सबसे पहले आप देख रहे हो LHS, तो आपको C1 चेंज करना पड़ेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 से। तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c माइनस x। इन तीनों को ऐड करेंगे तब ये मिलेगा a प्लस b प्लस c माइनस x। इसी प्रकार से इन तीनों को ऐड करिए तब भी क्या मिलेगा a प्लस b प्लस c माइनस x। क्लियर है? c2 में और c3 में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। c b b माइनस x a a माइनस एक्स। अब देखिए आप आसानी से सी वन में से कॉमन ले सकते हो ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। तो आप सी वन में से कॉमन लीजिए ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, तो आपको यहां मिलेगा वन 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 सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स। क्लियर है? आगे देखिए,
जाए तो आप आसानी से जीरो बना सकते हो। आप R1 को चेंज कर देना R1 माइनस R2 से, और R2 को चेंज करेंगे आप R2 माइनस R3 से, क्योंकि वन में से वन भी जीरो मिलेगा और इधर ये वन में से ये वन भी जीरो मिलेगा। इसलिए आप R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2 से, और R2 को आप चेंज करेंगे R2 माइनस R3 से। तो ये आपको मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इंटू आर वन माइनस आर टू। तो वन माइनस वन क्या मिलेगा बताइए, जीरो। b में से इसको हटाइए तो ये मिलेगा c माइनस बी प्लस एक्स, और ये हो जाएगा आपका b माइनस ए। क्लियर है? वन माइनस वन करिए तो आपको मिलेगा जीरो। b माइनस एक्स माइनस ए, b माइनस एक्स माइनस ए, और ये हो जाएगा आपका a माइनस सी प्लस एक्स। आपने r3 में कोई चेंज नहीं किया है तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, वन a c माइनस एक्स। तो ये आपका हो जाएगा, और ये आपको बराबर दिया हुआ है किसके, जीरो के। ये सब कुछ किसके बराबर है, जीरो के, और ये बराबर है जीरो के। अब देखिए आप a प्लस b प्लस c का मान तो क्या रख सकते हो, जीरो। तो ये तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस के x। अब देखिए जब आप c1 के अनुसार इसका मान निकालेंगे तो ये तो जीरो प्लस जीरो प्लस वन, आपको ये पंक्ति हटानी है और ये स्तंभ हटाना है और ये पंक्ति। तो करेंगे आप c माइनस बी प्लस एक्स का गुणा करना पड़ेगा आपको a माइनस सी प्लस एक्स से, माइनस b माइनस एक्स माइनस ए का गुणा करना पड़ेगा आपको b माइनस ए से, और ये बराबर है जीरो के। तो करिए माइनस एक्स जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा, सी का गुणा ए से करिए तो ये आपको मिलेगा, सबसे पहले c से गुणा कर रहा हूं तो ये हो जाएगा ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स। माइनस बी का गुणा करिए, माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी एक्स। एक्स से गुणा करिए, ये हो जाएगा ए एक्स माइनस सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से माइनस बी का गुणा इससे करिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए तो ये आपका हो गया, ये आपको बराबर दिया हुआ है जीरो के। तो माइनस एक्स इंटू ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, और ये बराबर है जीरो के। अब या तो एक्स बराबर जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। अब देखिए यहां से आप देख रहे हो x इंटू इसका जो व्यंजक है इन दोनों का गुणा क्या है, जीरो है। तो आप कह सकते हो या तो x बराबर जीरो होगा या फिर इस कोष्टक का मान जीरो होगा। तो यहां से या तो x बराबर जीरो या फिर आपका होगा ए सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस ए बी है, ये प्लस के बी कट जाएगा, ये प्लस के बी सी है, ए सी देखिएगा ए सी यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान निकालना आप क्या मिलेगा, चेक करना यहां से एक्स का मान क्या आ रहा है, ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी सी माइनस बी एक्स प्लस एक्स माइनस सी एक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे। क्लियर है? सिर्फ आपको यहां से x का मान निकालना है, आपको इस व्यंजक को जीरो के बराबर रखना है और x का मान निकालना है।
ओके थैंक यू, धन्यवाद।